तो ये वीडियो स्पेशली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डील करने के लिए है कि हम उसको पूरी तरह से कैसे करें ताकि पूरे पूरे मार्क्स मिलें और कोई गलती ना हो। तो देखिए क्या है, सबसे पहले मैं इसको पहचानना ना चाहिए कि ये जो है, ये जो हमारा पैसा जाया हुआ है किस चैप्टर से आया हुआ है। तो ये पहचानने के लिए हम लोग सबसे पहले एक एक, हमने क्या किया है कि आगे क्लिप लगाई हुई है जिसमें मैंने हर चैप्टर, जैसे कि मान लो ये इंचेंटेड पूल चैप्टर से आया हुआ है, इसमें युधिष्ठिर वर्ड दिख रहा है, इससे हम पहचान लेंगे तुरंत कि ये इंचेंटेड पूल चैप्टर से है। ऐसे मैंने हर चैप्टर के लिए कुछ वर्ड लगा दिए हैं जैसे कि आप तुरंत पहचान जाओगे। जैसे कि मान लेते हैं इंचेंटेड पूल के लिए दो वर्ड हो गए, एक युधिष्ठिर एक यक्ष, ये दो वर्ड आपको कहीं भी दिखेंगे अगर पैराग्राफ में तो आप तुरंत पहचान जाइए कि ये आया हुआ है इंचेंटेड पूल से और उसके राइटर आपको याद होना चाहिए। तो आपको इतना काम करना है इस चैप्टर पर, राइटर के नाम और चैप्टर का नाम याद करना है, और पहचानने का जो ट्रिक है वो मैंने क्लिप में लगा दिया है। आप जैसे इसको पहचान पाएंगे वैसे ही आपका इसका आंसर लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा, पहला वाला 2 मार्क्स आपका तुरंत कंफर्म हो जाएगा क्योंकि राइट द लेशन ऑफ द पूछा हुआ है। तो राइट द लेशन, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आंसर लिखना आप, द नेम ऑफ द लेशन फ्रॉम व्हिच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन। तो क्या लिखोगे, डैश डैश करके यहाँ पर नाम क्या लिख दोगे, सीधा द एंचेंटेड पूल। यहाँ पर जो राइट वर्ड लिखा हुआ है आप यहीं पर लिख दीजिएगा द एंचेंटेड पूल। तो द एंचेंटेड पूल द नेम ऑफ द लेशन फ्रॉम व्हिच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, ये पूरी लाइन आपको लिखनी है। हु इज़ द राइटर ऑफ द लेशन, तो आपको राइटर का नाम याद होगा आप चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो हु की जगह पर राइटर का नाम लिख देंगे, आपका ये 2 मार्क्स कन्फर्म। ओके, और बाकी का जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये इसका आंसर इसी पैराग्राफ के अंदर जो है एडजस्ट होता है, तो आप आसानी से ढूंढ के लिख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है व्हाट पॉसिबल वे डिड युधिष्ठिर फाइंड टू रिवाइव हिज ब्रदर। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ ध्यान रखना आंसर लिखते वक्त, जैसे यहाँ डिड वर्ड लगा हुआ है तो यहाँ पे फाइंड का क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, हमेशा सेकंड फॉर्म आप लगाइएगा तभी आपका ये करेक्ट होगा। तो यहाँ से आप ढूंढिए कि ये युधिष्ठिर फाइंड टू रिवाइव, रिवाइव वर्ड कहाँ से है, तो आप देखेंगे कि इस पैराग्राफ में यहाँ पे देखिए ब्रिंगिंग बैक टू लाइफ लिखा हुआ है, तो पॉसिबल वे भी दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो आप यहाँ से लिखेंगे सीधा ये उठाएंगे द युधिष्ठिर फाउंड टू रिवाइव हिज ब्रदर, ये पूरा लिखेंगे, फिर लिखिए पूरा आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पॉसिबल भी है, तो आपको यहाँ से इसको उठाना पड़ेगा कि युधिष्ठिर, युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड इट डिड नॉट टू टेक, युधिष्ठिर डोंट टेक डिड नॉट टेक टू अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन वर्ड्स ऑफ यक्ष एंड ही गेस व्हाट हैपन टू हिज ब्रदर। तो समझ गए थे कि कोई और नहीं यक्ष हैं, तो उनको समझ में आ गया कि उनके भाई के साथ क्या हुआ होगा। तो ये आपको ध्यान रखना 2 मार्क्स का है, तो इट बी एटलीस्ट 2 लाइन तो आपको लिखनी लिखनी है, मार्क्स के हिसाब से 2 लाइन लिखनी है। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो जाता है लिखना, दूसरा वाला इसी के अंदर होता है और पहला वाला पहचानना पड़ता है, तो उसके लिए हमने आगे क्लिप लगा लीजिए है। तो ये चैप्टर के नाम है और इनके राइटर्स के नाम आपको याद करना है, इंचेंटेड पूल है, लेटर टू गॉड है, द गंगा है, सोक्रेट्स है, टॉर्च बेयरर्स है और इंडियन म्यूजिक है। मात्र 6 चैप्टर हैं, बहुत ईजी याद करना इनको। तो आपको इनके ये राइटर्स हैं 1 बाय 1 करके सारे राइटर्स के नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये फटाक से रेडी कर, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि चैप्टर के नाम और प्लस उनके राइटर के नाम आप फटाफट याद कर लीजिए। और आगे लगी हैं क्लिप इन चैप्टर्स को पहचानने के कि हमारे पास सबसे इजी, सबसे ईजीएस्ट वे क्या होना चाहिए उसको रेडी करने का। ठीक है, तो आगे क्लिप लगी हुई है, आप उसको भी रेडी कर लीजिए ताकि आपको पहला क्वेश्चन करने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये क्लिप लगी हुई है, देखिए इसमें पहला दिख रहा है द एंचेंटेड पूल के लिए युधिष्ठिर, यक्ष और ब्राह्मण, इन वर्ड का यूज़ अगर तुम्हें दिखता है किसी पैराग्राफ में तो वो द एंचेंटेड पूल से आया हुआ है और उसके राइटर का नाम आप याद कर लीजिए। ऐसे ही लेटर टू गॉड के लिए लेंचो, टू गॉड हेलस्टोन्स, ऐसे द गंगा के लिए इलाहाबाद, अफेक्शन द गंगा या फिर इंडिया वर्ड आता है, सोक्रेट्स के लिए सोक्रेट्स वर्ड खुद आएगा और एथेंस वर्ड आएगा। तो इस वीडियो को रोक लीजिए और आप क्लिप को लिख लीजिए। ठीक है।